किसान के कैंपेन में। मैं चाहे एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत बोले किसान नेता बनने की कोशिश, बहुत yeah।
टीका लगाया है, डोगरी टीका लगाया है, तो हमराई टीका लगाया है, ये ध्यान। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लोग जो उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहकाए, धोखा दे रहे, उनके साथ अन्याय कर रहे, 14 तारीख का दिन है, उस दिन आपने उनके साथ जरूर न्याय समझना, एक बात की आपकी चिंता करना चाहिए। किया आप बताइए राज्य का ऐसे दुनिया का, आज बताइए कोरोना की तीसरी वेव आई, आई की नहीं आई, लोगों को कोरोना हुआ, हर व्यक्ति जहां ठीक हो गया है, तो ये वैक्सीनेशन के कारण आज भारत बच रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है, इसको उठाने की जरूरत है, और ये मोदी जी ने बताया है, इसको भी समझना चाहिए। मैं एक ही बात अतिशयोक्ति में नहीं कर रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, कोरोना का संकट कम नहीं हुआ था, वैक्सीन का असर ज्यादा था, इस बात को समझना चाहिए, इसको ध्यान रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का प्रोग्राम, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला प्रोग्राम, अमेरिका 1 दिन में 30 लाख या 30 लाख वैक्सीन कर पाता है, भारत 1 दिन में 2.5 करोड़ करता है, 2 करोड़ का इसको करता है लगातार, ये कोई छोटी घटना नहीं। इसलिए मित्रों विकास की कहानी के लिए मैं बात कहने लगूं तो कभी रुकने वाला नहीं। आप बताइए, आप महिलाएं बैठी हुई है, बाकी लोग बैठे हुए, आप बताइए हमारी बहने शौच के लिए और गहरे श्रम के लिए बाहर जाया करती थी, कोई ना हो कहां जाएगा, 11 करोड़ इज्जत दर देश में मोदी जी ने बनाया है, 11 करोड़ का मतलब है 11 करोड़ बहनों को, माताओं को, बच्चों को इज्जत की जिंदगी उनको सार्थक दी है। और उत्तर प्रदेश में भी ये छोटी संख्या नहीं है, 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ इज्जत घर यानी शौचालय टॉयलेट बनाए, लोहिया जी कहते थे कि सोचा सकते कि मुझे शर्म आती है जब मेरी टिकट चलती है शाम को तो शुल्क शुल्क और पे अपने दैनिक क्रिय के करने के लिए सड़कों पर आती हूं, ये लोहिया जी की कादर कर छात्र किसी ने सुन नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 11 करोड़ परिवार को महिलाओं को इज्जत को ये होती है फैमिली पावर, ये होता ताकत है। 9.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, 2.5 करोड़ लोगों को घरों में बिजली पहुंचाई, मैं विधायक था गांव में, कोई गरीब बेचारा आता था ना बिजली मांगने के लिए, तो जेई उनको बोलता था एहसान मांगता था, तू क्या एहसान मांगता था, ऐसा करो कल आ जाओ गांव वाले खंबा उठा के लिए, ये खंबा खंबा पहुंचाना जब गांव की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, फिर बोलता था खराब लगेगी 25 मीटर 35 मीटर 40 मीटर 100 मीटर, ऐसा कर आधा गांव वाले इकट्ठा करके पैसा दे दो आधा बना दे, मतलब मैं मतलब जैसे उसमें देगा सरकार नहीं देगा। इस तरीके से गांव में नीति आती थी, मैं गलत बोल रहा हूं क्या, होता था नहीं होता था। और मैं लखनऊ के पास गया था सौभाग्य योजना को उद्घाटन करने के लिए, मुझे मैंने गांव में गया, 4 घरों में बिजली पहुंचाई गई थी, मैं गया, मैंने उनकी बिजली का सिर्फ फॉर्म किया, उसने कहा बाबू जी मजा, मैंने कहा क्या मजा आया, बोलो दोपहर को यही मेरे पीछे पीछे फॉर्म का हमको ऊपर भेजना है, रिपोर्ट कार्ड भेजना है, जल्दी से साइन करो, शाम तक मैं आपको बिजली दे दूंगा, ये फर्क आया है सौभाग्य योजना। अब वही सरकार की नेता बदल गए, पहले तो खपा उठवाते थे बिजली का आधा पैसा मांगते थे और फिर भी देने पर एहसान मांगते थे, आज यही घूम रहा है कंज्यूमर के पास कि भैया साइन करो फॉर्म पर, मैं तुमको ही देता हूं। ये सारे बदलाव के कारण है, विकास की कहानी की दृष्टि से एक भी अनेक उदाहरण करे, हमारे मंत्री जी बैठे डॉक्टरों के पहले बोलते थे आना है, अच्छा ठीक है तो आप उसको 2 दिन पहले बता दिएगा, रात को चलेंगे देर से सुबह के पहुंचे नहीं, आज पर मंत्री जी हमको बोलते 4 घंटे में नोटिस दीजिए, मैं पहुंचा, मैं कह रहा कैसे पहुंचे, हाईवे को पकड़ना, हाईवे
इन्वेस्टमेंट होगी ना,
या तो वो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। गलत तो नहीं कह रहे, कभी सोचा था कि आपको सरेंडर करेंगे, आपको जेल में डाल, आप शांति चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, आप विकास चाहते हैं अमेरिका, तो रास्ता एक है उनके, कमल कमल और कमल। आपके आंखों में जो चमक देता है, वो चमक ताकत देती है कि आप ये जनता